सर 400 प्लस का जो ये एक संकल्प कहिए, स्लोगन कहिए आप लोगों का था, कहीं ऐसा तो नहीं, चूंकि कई तरह की रिपोर्ट्स ग्राउंड पे क्या है, हालांकि आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या पार्टी के नेता हैं तो आप दावा करेंगे कि जो हमने संकल्प किया है वहां तक हम पहुंचेंगे, लेकिन कई तरह की बातें हैं, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि 400 प्लस का जो आपका स्लोगन था उस वो कुछ बैकफायर हुआ है? कोई बैकफायर नहीं हुआ है, हम 400 पार करेंगे एनडीए वाले, हम प्रयास कर रहे हैं और हम उसमें सफल होंगे, हम लक्ष्य लेकर के चलते हैं, तो ये हमारा तरीका है काम करने का, सारी पार्टी इसमें लगती है, पूरी ताकत से लगती है। गठबंधन सरकारों का दौर लौट तो नहीं रहा है फिर? गठबंधन की तो सवाल ही भूल जाओ आप, वो दौर जा चुके हैं, अब तो भारत की जनता मजबूत सरकार ढूंढती है, मजबूर सरकार नहीं ढूंढती है, और मालूम है लोगों को कि मजबूत सरकार कहाँ आएगी और मजबूर सरकार किसकी हो सकती है। नड्डा जी, चुनाव के बाद क्या होने वाला है देश की राजनीति में? जैसे शरद पवार ने कहा छोटे दल हो सकता है कांग्रेस में शामिल हो जाएं। उनकी मर्जी है, वो तो परमुटेशन को आप कैसे देख रहे हैं, क्या होगा? मैं उनको देखता ही नहीं हूं, मैं उन सबको ये मानता हूं कि इनको सत्ता चाहिए, इनको अपने परिवार को बचाना है, इनको अपना भ्रष्टाचार छुपाना है, इनको भारत की जनता से कोई लेना देना। क्षेत्रीय दलों के बारे में कहा था ना, मैं बोल रहा हूं, मैं आज भी बोलता हूं, क्या ये जितनी रीजनल पार्टीज थी ये कांग्रेस की गलती के कारण हुई, ये जो पनपी है, क्योंकि उन्होंने नेशनल एस्पिरेशन से रीजनल एस्पिरेशन को एसिमिलेट नहीं कराया, इसलिए रीजनल पार्टीज उभर गई। तो अब ये खत्म हो जाएंगी, और रीजनल पार्टी जब उभरी तो बहुत जल्दी ये फैमिली पार्टीज बन गई। अब फैमिली पार्टी एक अनसाइंटिफिक बिहेवियर है, भारत की जनता, भारत का लोकतंत्र किसी परिवार की सेवा नहीं कर सकता, इसीलिए पीएम ने कहा तूफान आने वाला है और परिवारवादी हमेशा ही आएगा, तूफान आएगा ही आएगा। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की बात आप लोग करते हैं और चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने भी कई जगह मंच से कहा कि ये जेल जाएंगे वो जेल जाएंगे, रिजल्ट के बाद क्या होने वाला है? क्योंकि कई सारे जो विपक्ष आरोप लगाता है कि कई सारे करप्शन के आरोपी आपकी पार्टी में भी आ चुके हैं और उन पर कार्रवाई शायद रुकी हुई है। कोई रुकी नहीं है, नहीं किसी की डाइल्यूट हुई है, सब के साथ कानून बराबर का व्यवहार करता है, और हम नहीं करते, कानून करता है। मैं ये नहीं कहता कि मैं ये नहीं कहता हूँ, जो कानून है वो कानून के तहत चलेगा। आखिर केजरीवाल 9 बार समन नहीं लिया तो नहीं लिया, कानून की व्यवस्था में हुआ, जब आया तो आया।